तो आई का उच्चारण, आई का उच्चारण है कि नहीं, यानी प्रोनाउंसिएशन ऑफ आई। तो आई का हम लोग जैसे इससे पहले हम लोग किसका देखे, हम लोग ए का उच्चारण देखे, ई का उच्चारण देखे, आज हम लोग पढ़ेंगे आई का उच्चारण पढ़ेंगे। तो आई का भी कुछ है तीन, लगभग शायद पांचों नियम होगा इसमें। तो देखो इसका क्या होगा, आई का कभी कभी इसको ई पढ़ते, कभी आई पढ़ते, कभी अर पढ़ते, कभी अ पढ़ते हैं। अब इसको एक एक करके बारी से पढ़ेंगे, नहीं कि सर आप एक नियम पढ़ा दिए और उसके बाद फिर सर हो गया वीडियो देख लिया बस खत्म हो गया, नहीं। अगर पहले एक नियम देखते हैं तो आपको क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। एक नियम अगर पढ़ोगे तो कंफ्यूज होगा, सर कहते हैं यही नियम तो पढ़ा दिया, आई से अगर शुरू होगा तो ई पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो फिर आप कंफ्यूज होंगे बाद में, हर जगह ई ई लगाओगे, नहीं। आपको पूरा पाँचों नियम आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा कन्फ्यूज क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। अब पाँच नियम के बावजूद भी आप ये 100% तो होगा नहीं, कोई भी चीज़ या कोई भी आदमी 100% एकदम होता नहीं है, 100% सही होता नहीं। आपका 90 या 95 आपको आपका इंग्लिश एकदम बहुत ही अच्छा हो जाएगा, सही से आप पढ़ सकते हैं इसी नियम से। तो देखो क्या है आपका पहला नियम, क्या कि यदि आई से शुरू हो, आई से शुरू हो या फिर इसमें इसी एक नंबर में ही दो नियम है आपका, आई से शुरू हो या दो कॉन्सोनेंट के बीच आई हो, तब उसका ई का उच्चारण क्या होगा, आई का उच्चारण क्या पढ़ेंगे, ई होता है, क्या होगा ई, समझ में आया। मतलब आई अगर शुरू में स्टार्टिंग में हो तो आई को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। जैसे आपका देखो आई एन, तो क्या पढ़ेंगे इसको, आई एन पढ़ेंगे, आई एन क्या पढ़ेंगे इसको, इन क्या पढ़ेंगे, इन। आई एन टी ई आर क्या पढ़ेंगे, इंटर, इंटर। आई एन टी ई आर ए सी डी क्या पढ़ेंगे, इंटर एक्ट, इंटर एक्ट। आई एन टी ई डबल एल आई जी एन टी इंटेलिजेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ भी आई शुरू में, आई शुरू में, आई शुरू में, आई स्टार्टिंग में, इसलिए हम इसको ई पढ़ेंगे। ब्लू मार्कर जी, आई डबल एल क्या पढ़ेंगे इसको, आई डबल एल ई डबल एल। सर क्यों ऐसा पढ़ेंगे, क्योंकि सर ने बताया था कि आई अगर स्टार्टिंग में हो तो 100 में अधिकतर आपका ई ही पढ़ते हैं, ई आवाज आएगा। आई एन डी आई ए क्या पढ़ते हैं इसको, इंडिया पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा आ जाओ, देखो अब ये कह रहा है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच आई हो तब क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ते हैं। दो अब दो कॉन्सोनेंट के बीच, पहले नहीं, शुरू में नहीं, दो कॉन्सोनेंट के बीच। देखो एच आई एन टी क्या पढ़ेंगे इसको, हैंड बोल रहा है कोई, हिंट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हिंट, क्योंकि ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट, और बीच में कौन आ गया, आई बाबा आ गया, कौन, आई बाबा। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ई आएगा, एच आई एन टी हिंट। के आई एन जी क्या पढ़ेंगे, किंग, क्या पढ़ेंगे, किंग, क्योंकि यहाँ ये भी, के भी क्या है कॉन्सोनेंट, एन भी क्या है कॉन्सोनेंट, तो के आई एन जी किंग। एफ आई डबल एल फिल, एस आई एन जी सिंग, डब्ल्यू आई डबल एल विल, टी एच आई एस दिस, आर आई एन जी रिंग, एच आई डबल एल हिल, के आई डी किड, एच आई एस हिज, डब्ल्यू आई एन जी विंग, बी आई डबल एल बिल, पी आई एन के पिग, एस आई एन सिल, पी आई जी पिग, के आई डबल एल किल। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या है हम लोगों का, कि आई के बाद कॉन्सोनेंट हो फिर ई हो तब आई उच्चारण होगा। मतलब आई के बाद क्या होना चाहिए हम लोग का, ई होना चाहिए, बीच में क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। आई होगा कोई भी एक कॉन्सोनेंट होगा उसके बाद ई होगा, आई होगा कोई भी एक कॉन्सोनेंट होगा उसके बाद ई होगा, है कि नहीं। आई कॉन्सोनेंट ई क्या होगा, आई कॉन्सोनेंट ई। जैसे देखो के आई टी ई क्या पढ़ेंगे इसको, यहाँ पढ़ेंगे आइट, यानी आइट यानी काइट, क्या पढ़ेंगे काइट, आई आई आ रहा काइट, अच्छा मुंडो काइट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे काइट, क्यों, क्योंकि आई है उसके बाद कॉन्सोनेंट टी है, उसके बाद क्या है ई है, तो के आई टी ई काइट, एल आई के ई लाइक। देखो इसमें क्या बताया कि दो कॉन्सोनेंट विचार ई हो तो उसको ई पढ़ेंगे, क्या एन जी किंग, वहाँ ई का हम चर्चा नहीं किया, लेकिन यहाँ ई का चर्चा कर रहे हैं हम, कि आई होना चाहिए उसके बाद एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए फिर उसके बाद ई होना चाहिए, इसलिए आई पढ़ेंगे। तो एल आई के ई, देखो यहाँ आई है कॉन्सोनेंट है ई है, लाइक एस आई डी ई साइड, डब्ल्यू आई एफ ई वाइफ, क्यों, क्योंकि यहाँ आई उसके बाद एक कॉन्सोनेंट फिर उसके बाद ई, ई ई ई ई वाइफ, तो इसे पढ़ेंगे एफ आई एन ई फाइन, बी आई टी ई बाइट, एस आई टी ई साइट, बी आई के ई बाइक, एम आई के ई माइक, ऐसे पढ़ेंगे इसको, एम आई सी ई माइस, एन आई सी ई नाइस, एन आई के ई नाइक, आर आई सी ई राइस, पी आई एल ई पाइल, एफ आई एल ई फाइल, के एन आई एफ ई नाइफ,
ये के है ना, के को हम लोग पढ़ते नहीं है, ये आपका इसको कहते हम लोग क्या कहते जी, साइलेंट लेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, साइलेंट ये लेटर है, साइलेंट मतलब चुपचाप है, अभी इसको पढ़ेंगे नहीं, नाइफ पढ़ेंगे, एन आई एन ई नाइफ, ठीक हो गया, ध्यान दो के साथ। तीसरा नियम क्या कहता है आपका, कि शब्द के अंत में अगर आई के साथ आर ई हो, क्या हो, तो आर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आर, मतलब कहना ये चाह रहा है कि कोई शब्द है, कोई वर्ड है, वर्ड के लास्ट में अगर क्या हो, आई आर ई एक साथ हो, आई आर ई अगर एक साथ हो, तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर पढ़ेंगे, बस ये कहना यही चाह रहा है, ठीक है, आर पढ़ते हैं। जैसे देखो एफ आई आर ई क्या पढ़ेंगे, फायर, क्योंकि यहाँ एक साथ क्या है, आई आर ई एक साथ, आई के साथ क्या है, आई के साथ आर ई हो, तो उसे क्या पढ़ेंगे, आर ई, एफ आई आर ई फायर, है कि नहीं, फायर, डब्ल्यू आई आर ई वायर, क्यों, क्योंकि आई के साथ आर ई एक साथ है, इसलिए अर पढ़ेंगे, फायर, यू एम पी आई आर ई क्या पढ़ेंगे, अम्पायर, अम्पायर, ई एक्स पी आई आर ई क्या पढ़ेंगे, एक्सपायर, एक्सपायर, टी आई आर ई क्या पढ़ेंगे, टायर, एच आई आर ई हायर, एम आई आर ई मायर, हो गया ये नियम नंबर कितना, फोर में आओ, क्या कर रही, लेकिन आई आर से पहले वो बाद में क्या कॉन्सोनेंट हो तो क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे, मतलब यहाँ आई आर जो है कि ना आपके ये बगल में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, लेकिन उसके पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जैसे देखो पहले वो बाद ना जी, पहले पहले वो बाद में क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, यानी बीच में क्या होगा आपका, आई आर ई होगा, लेकिन बीच में आई आर होगा, इधर भी आपका कुछ क्या हो सकता है, कॉन्सोनेंट होगा, इधर भी आपका क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। जैसे देखो जी आई आर एल क्या पढ़ेंगे, इसको गर्ल, गर्ल क्या पढ़ेंगे, गर्ल, क्यों, क्योंकि आई आर बीच में और पहले भी आपका कॉन्सोनेंट, बाद में भी आपका कॉन्सोनेंट है, इसलिए जी आई आर एल क्या पढ़ेंगे, गर्ल। एफ आई आर एस टी फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट, बी आई आर टी एच बर्थ, आई आर एक साथ और बाद में भी कॉन्सोनेंट, पहले भी कॉन्सोनेंट, बर्थ, बी आई आर डी बर्ड, एस एच आई आर टी शर्ट, एस के आई आर टी स्कर्ट, ये रॉ है जानते हो ना, ये रॉ आधा रॉ, एस आई आर सर, टी एच आई आर डी क्या बनेंगे, थर्ड, थर्ड, थर्ड। अब देखो ये पहला आप नियम दिखा देना, इसलिए बोले कि सब पांचों नियम का याद रखना जरूरी है। पहला नियम में क्या बताए थे कि आई अगर शुरू में हो तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, ई आता है, लेकिन इंग्लिश में आपका अपवाद एक्सेप्शन जो होता है कि नहीं, कुछ शब्दों को आपको याद रखना पड़ेगा, वो कोई नियम को मानता नहीं, क्योंकि इंग्लिश आपका एक भाषा से मिला हुआ नहीं है, कई भाषाओं का ये मिक्स है, कई भाषाओं से ये मिला हुआ है। लेकिन आप देखो आई है, लेकिन आप इसको क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे, आई अगर शुरू में है आप इसको क्या पढ़ेंगे, आई ही पढ़ते हैं, कुछ शब्द है, लेकिन वो जो नियम था पहले वो अधिकतर उसी नियम से चलेगा, लेकिन कुछ शब्द को आपको याद रखना पड़ेगा। याद कैसे करेंगे, बार बार जब हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे तो अपने आप दिमाग में सेटिंग हो जाएगा, है कि नहीं, सेट हो जाएगा। तो आई आर ओ एन क्या पढ़ेंगे, इसको आयरन क्या पढ़ेंगे, आयरन, आई एस एल एन डी क्या पढ़ेंगे, आइसलैंड, आइसलैंड द्वीप होता है, आई सी ई बी आर बी ई आर जी क्या पढ़ेंगे, आइसबर्ग, आइसबर्ग, आई डी ओ एल आइडोल, आई आर आई एस क्या पढ़ेंगे, आयरिस, आई ओ डी आई एन ई आई अडिन, आयोडिन है कि नहीं, आयोडिन, आयोडिन, ये हो गया आपका किसका, आई का उच्चारण, है कि नहीं। इसको क्या कर लोगे, इसको सही से आप एकदम याद कर लोगे, है कि नहीं, अब जो है तो अगले दिन फिर खड़ा करेंगे, है कि नहीं, इसको याद कर दोगे। हिंदी में तो लिखा था, इसमें आपको दिक्कत कहाँ है, अगर हिंदी नहीं लिखा है तब सब कहते सर इसको क्या पढ़ेंगे, फिरे पढ़ेंगे ना, वीरे पढ़ेंगे ना, अम्पायरे पढ़ेंगे, तब दिक्कत होना चाहिए। लेकिन आपको साथ में हम हिंदी भी लिखा दे रहे हैं, और इससे क्या आसान जाते हो, बोलो तो उर्दू लिखा दे तो उर्दू भी हम लिखा देंगे, है कि नहीं। तो आपको याद करना पड़ेगा ना इसको, इसमें कुछ है, एक बार दो बार देखोगे रोज रोज थोड़ा थोड़ा 5 मिनट करके देखा करो, जितना भी नियम पढ़ा दिए हैं 5 मिनट करके उसको देखा, और जब फिर अपने दिमाग में सेटिंग हो जाएगा तो फिर अपने आप को और देखना जरूरी नहीं है। पहला शुरुआत में तो आपको याद करना ही, शुरू में याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।